नमस्कार, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। ये वीडियो मेरे एक दादा है, उनके रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। उन्होंने बहुत जोर दिया इसके ऊपर कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का जो विषय है, जो रेगुलर कॉर्ड हम यूज़ करते हैं बेसिक लेवल से, उससे थोड़ा हटके हैं। देख तो लीजिए, जानकारी रखने में कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स में, मेरे ख्याल से आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए जो शुरू करते हैं। सेवन दो तरीके का होता है, एक डोमिनेंट और एक होता है मेजर सेवन। सस्टेंड वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है सस्टेंड टू, एक होता है सस्टेंड फोर। उसके बाद सिक्स augment, diminished, at nine, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड हैं जिसमें नंबर जोड़ जोड़ के उसको बनाए जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इन सभी चीज़ को एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर सकता। आज थोड़ी बहुत चीज़ों को जो बेसिक बेसिक हैं मैं उनको इसमें दिखा देता हूँ, और इसका थ्योरी फॉर्मूला उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो बाकी जो 11, 13 ये जो कॉर्ड बनते हैं उसका एक अलग सिस्टम है, फॉर्मूला है, उस हिसाब से देख के बनाया जाता है। हालांकि हम लोग जब बजाते हैं तो हमें इतना कॉर्ड के नाम के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, हम साउंड के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें वो साउंड किस नोटेशन पर क्रिएट हो रहा है, हम उसी में देते हैं। वो नाम चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, हमारा साउंड अच्छा वही होना चाहिए। ठीक, बेसिक जो चीज़ है, सबसे पहली बात यह है कि इन जो कॉर्ड हैं, इन कॉर्डों का अक्सर गानों के साथ कोई लेना देना नहीं होता उतना। ये अप्लाई कुछ ऐसी जगह होते हैं, या तो वोकल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर एक बैकग्राउंड ट्यून क्रिएट करते हैं बस, और कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि उसमें सेवन कॉर्ड ही लगेंगे, आप सेवन कॉर्ड के अलावा उसका अल्टरनेटिव जो बेसिक कॉर्ड के ऊपर आता है वो भी आप अप्लाई करके उसमें काम चला सकते हैं। लेकिन इनको देने का मतलब यह होता है एक अलग फ्लेवर लाना म्यूजिक में, बस और कुछ नहीं। सेवन और सस्टेन ये एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वोकल में उतना यूज बहुत कम है। हालांकि बैंड सॉन्ग में बहुत काफ़ी यूज है इसका, लेकिन फिल्मी सॉन्ग में उतना है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जो रूल्स है, जो फॉर्मूला है वो समझा देते हैं। एक्चुअली ये जो क्रोमेटिक है, ये क्रोमेटिक के हर एक नोटेशन एक एक कॉर्ड के नाम है, मतलब वो नोटेशन जिसमें अगर यूज हो जाए तो हमें फिर वो कॉर्ड का नाम मिल जाते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, चीज मैं बता देता हूँ। जैसे क्रोमेटिक जो है सी का हिसाब से बता रहा हूँ मैं, यह हर एक स्केल में सेम चीज फॉर्मूला अप्लाई, बस नोटेशन अलग बदल जाते हैं। फॉर्मूला वही से, जैसे सी यानी के रूट, सी शार्प यानी के माइनर टू, डी टू, डी शार्प यानी के माइनर, ई यानी के मेजर जो हमारा परफेक्ट मेजर बनाते हैं, एफ परफेक्ट फोर या सस्टेन फोर कहा जाता है इसको, जो सस्टेन कॉर्ड बनाते हैं इसलिए। उसके बाद आता है एफ शार्प यानी के फ्लैट फाइव। उसके बाद परफेक्ट फाइव यानी कि जिस समय सा गा फा जो कॉर्ड बनते हैं। उसके बाद जी शार्प यानी के अगमेंट। उसके बाद आपके आते हैं सिक्स यानी कि ए। उसके बाद आता है डोमिनेटेड सेवन यानी कि बी फ्लैट नोट या ए शार्प। उसके बाद आता है नी यानी कि बी जो है आपका मेजर सेवन। उसके बाद सी यानी कि ऑक्टेव। तो ये है इसकी पूरी थ्योरी, फॉर्मूला या नाम जो भी आते हैं। जैसे सी सी शार्प, मतलब हमें हम अगर इस कॉर्ड में सी शार्प नोटेशन लगा दें सी कॉर्ड में, तो एक जो साउंड दे रहे हैं इसको हम सी माइनर टू कह सकते हैं। उसके बाद सी
इसी के साथ हमारे डी नोटेशन लग जाए तो टू यानी कि सस्टेन टू, जैसे डी नोटेशन डी सा डी, मतलब जब आप स्केल की लयात से जा रहे हैं तो सा के बाद जो रे आते हैं वो रे नोटेशन या किसी के बाद जो डी नोटेशन आ रहे हैं वो लग जाए तो वो सस्टेन टू कहलाएगा। लेकिन ऑक्टेव के बाद जो डी नोटेशन अगर आप यूज करें तो वो सस्टेन टू नहीं होगा, फिर वो एट नाइन हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऐसे जो हमारा ऑक्टेव सी के बाद हम अगर ये नोटेशन नहीं यूज करें तो ये सस्टेन टू नहीं है, ये फिर आपका एट नाइन कहलाया जाएगा। ठीक, इसको सी एट नाइन कहलाते हैं। नाइन किस में, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेव जो हमारा एट नोटेशन आते हैं, एट होता है उसके बाद ये नाइन, फिर टेन, फिर इलेवन, ट्वेल्व, बाकी सब चीज उसी के हिसाब से चलते हैं। और इसके बाद जो आते हैं डी शार्प नोटेशन, तो हमारा माइनर कॉर्ड बना, मेजर ई नोटेशन लग जाए तो हमारा परफेक्ट मेजर बनता है, एफ नोटेशन लग जाए तो सस्टेन हो जाते हैं, इसको सस्टेन फोर कहा जाएगा। कॉर्ड एक्चुअली नाम जो है एक गार नोटेशन को रिप्लेस करके बनाया जाता है और एक फार नोटेशन को रिप्लेस करके बनाया जाता है, उसका जो नाम होता है वो क्रिएट होते हैं। जैसे सस्टेन टू वो भी हमारा गार नोटेशन को रिप्लेस किया, माइनर वो भी गार नोटेशन को रिप्लेस किया, सस्टेन फोर वो भी गार नोटेशन को रिप्लेस किया, मतलब इन तीनों कॉर्ड में पार नोटेशन हमारा मौजूद है, यानी कि सा गा पा सी ई जी जी नोटेशन कॉमन है। उसके बाद आते हैं ये आपका फ्लैट, फ्लैट फाइव, यानी कि सी के साथ हमें जो है एफ शार्प नोटेशन और ऐड करने। ठीक, इसके साउंड पॉइंट काफी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, अक्सर क्लासिकल ट्यून या उसमें अप्लाई किया जा सकता है, इसमें राग के ऊपर जो गाने होते हैं उन जगह में इन कॉर्डों पे यूज़ किया जाता है। हालांकि मुझे क्लासिकल की उतनी नॉलेज नहीं है राग और इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन चीज़ यही है। फिर आता है परफेक्ट फाइव यानी कि जी, उसके बाद जी शार्प यानी कि तब कॉर्ड जाएगा अगमेंट, ये कॉर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन कॉर्डों को बनाते समय उस चीज का ध्यान रखिए कि जो उस नोटेशन जिस चीज से बन रहा है, मतलब जो नोटेशन की जरूरत है, जैसे सी ई ए, ये तीन नोटेशन से बन रहा है हमारा सी सिक्स कॉर्ड, तो वो कॉर्ड जो है सिर्फ उन जब आप कॉर्ड पकड़े तो वही तीन नोटेशन ही हो, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कुछ भी यूज ना हो या प्ले ना हो, आप अगर उसमें फिंगर ना मिले कुछ ना मिले आप उसको ब्लॉक करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट करके रखिए, लेकिन बजाना आपको वही चीज है। ठीक, उसके बाद आता है डोमिनेटेड सेवन, फिर आता है मेजर सेवन, एक ये साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं कुछ गाने के लिंक बता दूंगा, आप जब उसको सुनेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये साउंड वही है। ये पसंदीदा था गाना था, एक मिनट, तो शायद इजाजत फिल्म का गाना है वो, कतरा कतरा मिलती है,
तो ये है चीज, मतलब डोमिनेटेड सेवन और सेवन जो है वो दोनों नोटेशन बराबर में रहते हैं। सेवन मतलब मेजर सेवन, यानी कि आप अगर डिसेंडिंग नोट से ये करें तो सा नी और कोमल नी, इन तीनों चीज से सॉरी इन दो चीज से पहला जो है नी जो अगर लग जाए अगर आप यूज करें तो वो मेजर सेवन कहलाया जाएगा, और अगर कोमल नी यूज करें तो उसमें मेजर सेवन कहलाया जाएगा, सॉरी डोमिनेटेड सेवन कहलाया जाएगा। डोमिनेटेड सेवन यानी कि उसके बाद पा के बाद जो भी आप कॉर्ड बना रहे हैं वो सब पा को रिप्लेस करते जाएगा, उसमें ई नोटेशन मौजूद रहेंगे, और ई नोटेशन को जब आप रिप्लेस करेंगे उसमें पा नोटेशन जो है वो अप्लाई होते रहेंगे। अब कुछ गाना ले लेते हैं जिसमें पहला एक बैकग्राउंड म्यूजिक का दे देता हूँ मैं, नहीं फिर गाने का ले लेते हैं हिंदी गाने का। एक रिसेंट अभी एक सॉन्ग आया था जिसमें ऐ दिल है मुश्किल, उसमें मेजर सेवन और डिमिनाइज्ड दोनों ही कॉर्ड यूज हुआ है, जैसे डी माइनर, फिर ए मेजर सेवन, बी फ्लैट, फिर ए मेजर, फिर डिमिनाइज, मतलब बी फ्लैट डिमिनाइज हो रहा है। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड के हिसाब से जा रहा है या वोकल ट्यून टोन को हम ये कॉर्ड अप्लाई करने, मतलब कैसे समझाऊं आपको कि बीच में आप कितने कॉर्ड इसमें नोटेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि हर एक नोटेशन पे कॉर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो, अगर आप प्ले कर सके तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इन्हीं तीन कॉर्डों में गाना बज सकते और किसी में नहीं, आपका अपना वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आपकी वो एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है, इससे आप इन चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे एक पुराना एक गाना ले लेते हैं, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मुझे पता नहीं कि इस गाने के लिए मुझे शायद कॉपीराइट नोटिस लग जाए, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। तो ये लगता है कि जहाँ सेवन कॉर्ड हम इसमें बी अप्लाई कर सकते हैं, मिल गया, लेकिन आप जब सेवन को यूज करेंगे तो वो एक सिचुएशन और दोनों को मिक्स कर वोकल को मिक्स करके अलग ही एक मजा लेके आता है। बस यही डिफरेंट होता है इन कॉर्डों का, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आप बेसिक कॉर्ड से आप इन गानों को आप ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं तब भी वही उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये कोई सुनेगा तब कहेगा हाँ ये फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ तो ये था सेवेंथ कॉर्ड का अप्लाई म्यूजिक। और जो लोग बंगाली है जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप फॉसेट्स के गाने सुनिए, उस फॉसेट्स में बहुत सारे सेवन कॉर्ड और ये सब यूज होते हैं, और भी बहुत सारे गाने हैं लेकिन
फॉसिल्स मेरा कुछ ज्यादा फेवरेट है, इसलिए मैं फॉसिल्स का नाम लेता हूँ। फॉसिल्स के एक्सपेरिमेंट बहुत काफी हटके हैं। उनका एक एक कॉर्ड प्रोग्रेशन, एक एक कॉर्ड का साउंड जो इतना यूनिक होता है, जो किसी और बैंड में अभी तक मुझे मिला नहीं। खैर, अब आते हैं सस्टेन की ओर। सस्टेन टू सस्टेन फोर, ये तो अच्छा इसका मैंने बता दिया शायद। सस्टेन टू यानी कि टी नोटेशन लग जाए तो सस्टेन टू, और फोर्थ नोटेशन सस्टेन करना हो तो फोर्थ नोटेशन अप्लाई कीजिए तो वो सस्टेन फोर का होता है। अब समझ बिकर ये आते हैं कि इनका जो सेफ है कॉर्ड को पकड़ने का, सेवन का और सस्टेन टू सस्टेन फोर का। सस्टेन टू और सस्टेन फोर में बहुत ही मजेदार चीज है, एक ही कॉर्ड उसके दो अलग अलग नाम हो जाते हैं अलग अलग रूट से एक ही कॉर्ड के। मैं दिखा देता हूँ, पहले सेवन पे क्लियर कर देता हूँ कि हम जब बार कॉर्ड पकड़ते हैं किसी भी कॉर्ड शेप का कॉर्ड का, जैसे ये फर्स्ट शेप कहा जाता है, तो इसका अगर हम फोर्थ फिंगर हटा दें तो ये एक सेवन कॉर्ड बनता है। कौन सा सेवन? जो कॉर्ड आप पकड़ के रखें जो बजा रहे उसी का सेवन बनता है। जैसे एफ पे हम अगर फोर्थ फिंगर हटा दें तो ये एफ सेवन ही बनता है। पुराना गाने की याद आ गया इससे, रचमाल दे से यूज होते हैं। एक सेकंड से आया है लेकिन वो डिफिकल्ट है थोड़ा पकड़ना। ऐसे पकड़ा जाता है इसको।
बाद आते हैं मेजर सेवन, ओपन में तो मेजर सेवन ऐसे होगा, और उसके बाद आप जब अगर ऐसे पकड़ना है फुल सेव सेकंड सेव का, तो जो आप सेकंड फिंगर लेके रखते हैं उस सेकंड फिंगर को छोड़ दीजिए, वो फिर मेजर सेवन बन जाएगा। ठीक, एक तो हुआ ये, दूसरा एक आता है आपका मेजर सेवन, एक ऐसे आता है मेजर सेवन बन गया। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब हर चीज, पहला जिस स्ट्रिंग पर हो जिस फ्रेट पर हो, दूसरा दूसरे नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट फ्रेट, तीसरा नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट फ्रेट, फोर्थ नेक्स्ट स्ट्रिंग नेक्स्ट फ्रेट, फिर मेजर सेवन बनता है। और मैं इतने सारे गाने इसमें करूँगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो तो वीडियो बंद हो जाए मेरा। मैं गाने पूरा बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, ये इन सब कॉर्ड इस गाने में यूज हो रहे हैं। जैसे फूलों का तारों का जो गाना है उसका जो स्टार्टिंग का एक इंट्रो है वो मेजर सेवन कॉर्ड से बना है। और इजाजत फिल्म का जो मुझे इस समय दिमाग में आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, इजाजत फिल्म का गाना है खतरा खतरा मिलती है, उसमें जो साउंड गजब का साउंड है मेजर सेवन का। तो ये है मेजर सेवन और माइनर सेवन का कॉन्सेप्ट, सॉरी मेजर सेवन माइनर सेवन और डोमिनेंट सेवन। एक आते हैं, अब आते हैं सस्टेंट, सस्टेंट का दो चीज दिखाते हैं, सस्टेंट का सेफ दिखा देते हैं। एक होता है जैसे आप हम ये माइनर पकड़े या अगर ये सी नोटेशन छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट फिंगर पे जो नोटेशन, तो ये सस्टेंट हुआ। अब कमाल की बात ये देखिए, एक ही पोजिशन को पकड़ के हम इसको दो नाम दे सकते हैं, एक हो जाएगा सस्टेंट टू, एक हो जाएगा सस्टेंट फोर। ठीक, सस्टेंट टू किसका है, सस्टेंट टू है ए का, और सस्टेंट फोर किसका है, सस्टेंट फोर है ई का, क्योंकि हमने नोटेशन का हमसे मतलब पकड़ रखा है ए नोटेशन, ई नोटेशन और ए नोटेशन। ठीक, इसको सस्टेंट टू कह सकते हैं, इसी को सस्टेंट फोर भी कह सकते हैं। देखिए ए सस्टेंट टू ई सस्टेंट फोर, हम इसको गलती से भी ई सस्टेंट फोर मत, ई सस्टेंट टू मत बोल देंगे, बस अगर तुमसे कोई फर्क नहीं होता, दिक्कत नहीं होता है नाम से, साउंड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, सस्टेंट टू समय कुछ याद तो आने लगा, एक भजन है उसी का सुना देता हूँ, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या यही दो कॉर्ड यूज हो रहे हैं पूरे गाने में। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या वीडियो में यूज कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा अक्सर उसी में यूज होते हैं सस्टेन। Thank you.
सब में आपको एक्चुअली इन सब को बजा बजा के सुन के आपका के गाने में जब कॉर्ड बजे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हाँ मेजर डोमिनेटेड सेवन बज रहा है या मेजर सेवन बज रहा है, सस्टेन बज रहा है या अगमेंट बज रहा है। इन सब चीज़ों को आप को घर में प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि गाने के साथ आप प्रैक्टिस करें, आपको सिर्फ कॉर्ड के साउंड को ऑब्जर्व करना है कि इसका साउंड कैसा होगा। याद आ रहा है ये गाना, इसका भी स्टार्टिंग इंट्रो सस्टेन से ही है। और अब आते हैं सस्टेन हो गया, अगमेंट 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 एक लौता है कि ऐसा कॉर्ड है वो मुझे नहीं लगता किसी गाने में यूज हो सकती है किसी वोकल में। ये एक्चुअली एक टेंशन क्रिएट करता है, एक डरावना सा साउंड क्रिएट करता है और अक्सर ज्यादातर मैक्सिमम टाइम अगमेंट कॉर्ड जो यूज होते हैं वो हॉरर टाइप किसी चीज को बैकग्राउंड क्रिएट करने में, गाना नहीं साउंड क्रिएट करने का, बैकग्राउंड या डरावनी चीजों को म्यूजिक के जरिए ये करने के लिए यूज होते हैं, वो किसी गाने में यूज नहीं हुआ है अभी तक तो मुझे नहीं मिला, शायद हुआ भी हो मेरी जानकारी में अभी नहीं है। डिमिनिश्ड इन दोनों कॉर्ड को मिक्स करके बनाया जाता है हॉरर टाइप के, हालांकि दो माइनर कॉर्ड से भी अगल बगल के जो माइनर है उससे भी एक हॉरर ट्यून क्रिएट होते हैं। म्यूजिक एक्चुअली चीज ही वही है कि इतने सारे नोटेशन और इन सब यूज करके कि हमारा एक लैंग्वेज है म्यूजिक, एक इंसान या एक हार्ट है, जैसे हम हमारा जो दिल हर एक चीज को महसूस करता है उसमें दुख होता है, उसमें इमोशन होता है, दुख के कितने सारे वेरिएशन होते हैं, इमोशन के कितने सारे वेरिएशन होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे जैसे टेंशन के कितने सारे, हर टेंशन एक जैसा नहीं होता है, हर डर एक जैसा नहीं होता है, तो उसी हिसाब से जैसे तो म्यूजिक भी सेम चीज है, उसी चीज को क्रिएट करता है एक साउंड के जरिए। ये है इन कॉर्डों का और इन सब चीजों का इस्तेमाल और यूज। सेवन कॉर्ड डिमिनिश्ड कॉर्ड तो मिल जाएंगे आपको गाने में, लेकिन अगमेंट और ये सब नहीं मिल सकते आपको गाने में। बाकी जो चीज है उसको हम अलग वीडियो बनाएंगे, एक फॉर्मूला और है जैसे एट नाइन का तो हमने दिखा दिया है। उसके बाद आपका जो आते हैं 11, 13 उसका एक अलग फॉर्मूला है, उसी हिसाब से उसको बनाया जाता है। ऐसे अगर एट नाइन को अगर 9 बनाना हो तो हमें वो 7 नोटेशन ऐड करना है, तब जाके वो एट नाइन मतलब 9 बनेगा, तब इसकी जो काउंटिंग है वो कुछ अलग ही तरीके का होता है। ऐसे 9 कब होते हैं, जैसे 7 और सेकेंड नोट,
सात और दो मिला के नौ बनते हैं, इसलिए इस कॉर्ड को नाइन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सेवन नोट भी है और नाइन सेकंड नोट, जैसे सेवन नोट बी फ्लैट में है और सी और डी यानी कि सेकंड, तो सात और दो दोनों को मिला के नाइन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नाइन के लिए ई नोटेशन अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं होता। ये हुआ आपका नाइन और बी फ्लैट नोटेशन छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका सी एट नाइन। तो ये सब कॉर्ड ऐसे ही बनते हैं। अब आप कॉपी में थ्योरी बना के कीजिए या फॉर्मूला बना के कीजिए, नोटेशन देखिए, पोजीशन हमने दिखा दिया आपको, इतनी सारी पूरी यही पोजीशन है। सेफ याद रखिए, सेफ से हर चीज़ का पता चल जाएगा, जैसे फर्स्ट सेफ, थर्ड सेफ, दो सेफ का मैंने दिखाया, मेजर सेवन, सॉरी सेवन, मेजर सेवन दोनों का अगल बगल में, जैसे इसका भी इंट्रो पता है, मेजर सेवन का इंट्रो दे देता हूँ, जैसे पॉइंट क्या गाना है, ये जीवन है इस जीवन का, पिक 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 यही है यही है रंग रूप, एक इंट्रो है सुर में, या गाने में भी बहुत बार बजते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पता नहीं कितना आप लोगों को समझ में आया, कितना हेल्प हुआ। दादा मुझे बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये वीडियो, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरा कि नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।